तो आज टॉप 5 लैपटॉप अंडर 65,000 बताने से पहले मैं ये बता देता हूँ दैट आई एम हाँ नहीं में विश्वास होता तो देख लो यार आई एम स्पाइडरमैन। तो आज की वीडियो का लाइक है मैं 5,000, लास्ट टाइम वीडियो में मांगा था 4,000 लाइक गेम का, तो 7,500 लाइक कर दिए। इस बार 5,000 का लाइक है मैं तो 10,000 दे देना, नहीं मतलब 5,000 का तो करना ही है, ठीक है 5,000 करना ही है। और मार्वल वालों से बात हो गई है, पीटर पार्कर बना दिया मेरे को, नेक्स्ट में मैं ही लॉन्च हो रहा हूँ, ठीक है। तो घुमाते हैं कैमरा, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हाँ भाई, तो लड़को तो ऐसा है कि मैंने आज से पहले ऐसी कोई वीडियो बनाई नहीं है, और वो आज इसलिए बनानी पड़ रही है क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैसेजेस प्लस आपके कमेंट्स आते हैं कि हमें कोई लैपटॉप सजेस्ट कर दो। तो मैंने कहा यार आज एक वीडियो बना के ख़त्म ही करते हैं। तो रिस्पॉन्स अच्छा आया इस वीडियो पर, तो मैं हर महीने ये एक वीडियो डाल दिया करूँगा, बेस्ट लैपटॉप फॉर द मंथ। आप लोग परचेज भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक होंगे सब लैपटॉप्स के। तो देखो ये लैपटॉप है मेरा इस लिस्ट का सबसे फेवरेट लैपटॉप, Asus TUF Gaming A15। अब इन सब में एक खास बात यह है कि इनमें सब में लगा हुआ है AMD का Ryzen 5 4600H प्रोसेसर, जो कि 2020 का लेटेस्ट, अभी तक का लेटेस्ट प्रोसेसर है, तो सब में ही होगा, इसमें भी है। और इसमें ग्राफिक कार्ड है GTX 1650 4GB। तो आफ्टर इफेक्ट्स में रेंडरिंग करनी है, और अगर आपको फुल HD पर गेमिंग करनी है सारे अल्ट्रा सेटिंग पे, मतलब 1660 जो ग्राफिक कार्ड है वो कराता है, लेकिन ये भी थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा सा नीचे कर लोगे तो गेमिंग हो जाएगी अच्छी खासी लेवल पे। और इसके अंदर 8GB रैम है, 1TB की हार्ड डिस्क है, और 256GB की हमारी NVMe सिंगल कट SSD, सिंगल कट जो मेरा फेमस हो गया डायलॉग सिंगल कट। आज के दिन इसका प्राइस है 65,990 रुपीज़। तो आगे फ्लक्चुएट हो सकते हैं प्राइजेस, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में तो है ही, उधर से लेना और कहीं से नहीं लेना, फ्लिपकार्ट से अमेजोन के कहीं और लिंक से नहीं लेना, डिस्क्रिप्शन में ही लिंक से लेना, ठीक है बताऊंगा क्यों लेना है। और देखो ऐसा है कि पहले मैं इंटेल का फैन बॉय था, और मेरे लैपटॉप में भी इंटेल का i5 8th जनरेशन प्रोसेसर है, लेकिन अब मैं हो गया हूँ AMD का फैन बॉय, क्योंकि मेरे जो ऑफिस में PC है उसमें AMD का प्रोसेसर है। तो मेरे को अब AMD की वैल्यू पता चली है कि कम प्राइस में वो लोग जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो बहुत तगड़ी है। तो कम प्राइस में ही नहीं, उनकी प्रोसेसिंग पावर जो है ना वो CPU की बहुत ही अमेजिंग है। तो मैं जो इन लैपटॉप आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, इन सब में AMD का प्रोसेसर ही होगा, शायद एक दो ही होगा जिसमें इंटेल का होगा। तो दूसरे लैपटॉप पे कंटिन्यू करते हैं, और हमारा जो सेकंड लैपटॉप है वो है लिनोवो आइडियापैड गेमिंग 3। भाई साहब प्राइस बताऊंगा ना तो दिल खुश हो जाएगा, और ये जो मेरे को गुस्सा आ रहा है ना ये नॉर्मल है, तो घबराना मत, क्योंकि गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि जिस टाइम पे मैं लैपटॉप ले रहा था उस टाइम पे ऐसे कोई लैपटॉप थे नहीं, अब आ गए हैं इतने कम बजट में, इतनी सारी चीज़ें दे रहे हैं। वाला लैपटॉप है, इसके अंदर स्क्रीन साइज़ है 15.6 इंच, जितनी मेरे लैपटॉप की है उतनी ही है इसमें, मतलब ये जो है ये एवरेज इतनी स्क्रीन साइज रहती है। और इसके अंदर प्रोसेसर वही अपना फेवरेट AMD Ryzen 5 4600H, ग्राफिक कार्ड है इसके अंदर GTX 1650 4GB। भाई मतलब और क्या चाहिए, 8GB की रैम ले लो इसमें, इसके अंदर बस एक चीज़ की कमी है वो है 1TB की हार्ड डिस्क, लेकिन उसकी जगह इसमें 512GB की NVMe SSD दे दी आपको, और क्या बच्चे की जान लोगे इस प्राइस रेंज में। प्राइस बताऊँ इसका, और विंडोज 10 भी इंस्टॉल है, और प्राइस सुनो, प्राइस है इसका 60,990 रुपीज़ आज के दिन जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ। फिर बोलना नहीं ऐसी डील छोड़ दी, दिल्ली के लड़के बताया नहीं तूने, बता रहा हूँ ले लो अभी जाके खरीद लो अगर इस प्राइस रेंज में अगर तुम्हें कोई लैपटॉप चाहिए तो। मैं जा रहा हूँ यार पानी पीने। और जो हमारा नेक्स्ट लैपटॉप है वो है HP की तरफ से पवेलियन गेमिंग लैपटॉप, नाम याद था मेरे को, मैंने उधर कुछ नहीं देखा यार, मैं बस ऐसे ही देख रहा था कि क्या है, ठीक है। इसमें प्रोसेसर वही है AMD Ryzen 5 4600H, लेकिन इसमें एक दो चीज़ें एडवांस्ड हैं बाकी सारे लैपटॉप से, वो क्या है बता देता हूँ। पहले तो इसमें वही सारी सेम चीज़ें, 8GB रैम, 1TB की हार्ड डिस्क, और 256GB की NVMe SSD। अब इसके अंदर चेंज क्या है वो मैं बताता हूँ, इसके अंदर जो ग्राफिक कार्ड है वो है 1650 Ti 4GB। Ti जो होता है वो नॉर्मल ग्राफिक कार्ड से थोड़ा एडवांस वर्जन का होता है, तो इसमें जो आप गेम खेल सकते हो वो थोड़ा थोड़ी सेटिंग्स थोड़ी ऊपर करके आप खेल सकते हो, तो उसके लिए ये लोग एडवांस पैसे भी आपसे मांग रहे हैं थोड़े से एक्स्ट्रा। और इसके अंदर एक एडवांस थर्मल मैनेजमेंट करके एक चीज़ है, टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं HP वाले अपने लैपटॉप में, जिसकी वजह से आपका जो प्रोसेसर है वो अच्छी तरीके से कूल हो पाएगा, एयर फ्लो उसका रहेगा बढ़िया। और अगर आप HP के फैन बॉय हो और आपको डिज़ाइन पसंद है तो प्राइस बता देता हूँ फिर मैं आपको, इसका प्राइस है 64,990 रुपीज़ ओनली। और देखो ये मैं हूँ, ये मैं 2009, ये मैं 97, 98, 96, पता नहीं कब, मेरे को नहीं पता, टास्क दे दिया इंस्टाग्राम पे आके ढूंढ लो मेरी डेट ऑफ बर्थ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार, 10,000 का एम है इंस्टाग्राम पे, नाम है मेरा दिल्ली का लड़का _ हाँ सॉरी भी आपका ऑप्शन अनलॉक करना यार, वो 10,000 फॉलोवर्स पे ही होता है, आ जाना। अब हम बात करते हैं इंटेल वालों के लिए, वरना इंटेल वाले बोलेंगे इंस्टाग्राम पे वापस मेरे को कि यार आपने AMD के सारे प्रोसेसर के लैपटॉप्स बताए, AMD के तो बताए नहीं। तो देखो
ये सारे जो लैपटॉप है ना इनमें 4K एडिटिंग आपकी टाइमलाइन पे प्रीमियर प्रो या आफ्टर इफेक्ट पे हो जाएगी, और जो ग्राफिक कार्ड है इन सब में बहुत अच्छे हैं, GTX 1650 से तो कोई कम मैंने दिखाया नहीं, और मेरे लैपटॉप में तो MX 130 2GB लगा हुआ है, उसमें ही मैं GTA 5 इतनी हैवी गेम खेल लेता हूँ, 720p या कभी कभार फुल HD पे भी खेलता हूँ। तो बात करते हैं इसकी, हमारे फोर्थ लैपटॉप की, जिसका नाम है Asus TUF Gaming F15। तो ये जो लैपटॉप है ना ये वाला, ये A15 के बाद लॉन्च हुए हैं, मतलब A15 तो पहले लॉन्च हो गया था, अब जो है लेटेस्ट वाले F15 नाम से आ रहे हैं, जिनमें इंटेल के प्रोसेसर हैं। तो इसमें है इंटेल 10 जनरेशन, 8GB रैम, 1TB की हार्ड डिस्क और 256GB की NVMe SSD। ग्राफिक कार्ड है इसमें 1650 4GB। तो भाई साहब क्या ही बोलूँ, क्या क्या दे दिया। प्राइस सुनोगे? प्राइस देखो यार तुम, प्राइस प्राइस है इसका 63,990 रुपीज़ ओनली। 144GHz की तो इसके अंदर डिस्प्ले भी दे रहे हैं, वो पहले वाले जो हमने HP का लैपटॉप दिखा उसमें भी थी और इसमें भी दे रहे हैं भाई। और मतलब क्या है, 15.6 इंच की स्क्रीन भी ले रहे हो, उसके साथ और भी कुछ चाहिए? तो नमक मिर्ची नींबू हम दे ही देंगे। और जो हमारी वीडियो का लास्ट लैपटॉप है वो उन लोगों के लिए है जिनका बजट थोड़ा कम है लेकिन परफॉर्मेंस पूरी चाहिए। जैसे मैंने 47,000 का लैपटॉप लिया था, इसके अंदर i5 8 जनरेशन MX 130 2GB ग्राफिक कार्ड है, 8GB रैम है, अब तो 16 करा लिया है। वैसे ही एक लैपटॉप है जिसका नाम है Acer Aspire 3, इसके अंदर i5 10 जनरेशन है लेटेस्ट, 8GB रैम, 1TB की हार्ड डिस्क, भाई इसके अंदर NVMe SSD नहीं है, और ग्राफिक कार्ड पता है कौन सा है, MX 330, मेरे अंदर तो 130 है। प्राइस बताऊँ, क्या कर रहे हो यार, प्राइस सुनो, प्राइस है 48,904 रुपये। मतलब देखो ऐसा है कि खरीद लो। तो मैं आप सबको एक चीज़ बताना तो भूल गया था कि मैं Amazon इंडिया एफिलिएट प्रोग्राम का सर्टिफाइड एसोसिएट हूँ। तो आपको डिस्क्रिप्शन में से, लिंक में से, Amazon से कुछ भी खरीदना हो तो बेफिक्र होकर खरीदना। तो आज की वीडियो होती है ख़त्म, और नेक्स्ट वीडियो मैं तभी डालूंगा जब 70,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे अपने। करने कैसे मैं बताता हूँ, पहले तो इस वीडियो को कर देना लाइक, क्योंकि एम कितना था भूल गए, अच्छा याद है, लाइक कर दिया, ठीक है ठीक, 5000 का एम है, बता देता हूँ, 5000 का एम है, वो लाइक कर दो इस वीडियो को, और इसी वीडियो को उठा के शेयर करो अपने व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट लिस्ट में एक ऐसे फ्रेंड को जिसको एक लैपटॉप खरीदना है, उसको बोलना सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी दबा दे। चलो तो फिर लड़को, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। ये तो पुराना हो गया, नया वाला बताते हैं कैसे होता, नया वाला ऐसा है।